गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड, जो कि बिहार एस एस सी मेन्स, बिहार एस आई मेन्स और बिहार ई एस आई के लिए चलाया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वेनसांग, मेगास्थनीज, इत सिंह, फाहयान। तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज से लुकस निकेटर के राजदूत में था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो मेगास्थनीज क्या था? सेल्कस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज का ही पुस्तक है इंडिका, इंडिका नामक इनका पुस्तक है, जिसमें इन्होंने पाटलिपुत्रा का वर्णन किया है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वेनसांग। तो वेनसांग एक चीनी यात्री था, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनसांग का पुस्तक का नाम है सी यू की, सी यू की इनकी पुस्तक का नाम है। थर्ड नंबर ऑप्शन है इत सिंह। इत सिंह 10 वर्ष तक भारत में रहा था। यह भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक रहा था। इन्होंने 10 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। फोर्थ नंबर ऑप्शन है फाहयान। फाहयान भी एक चीनी यात्री ही था और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फाहयान भारत में 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, और इस बात की पुष्टि हमें बौद्ध ग्रंथों से एवं चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से मिलती है। आगे देखेंगे थर्ड नंबर। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ईरानियों द्वारा। ईरानियों का संबंध हखमनी वंश से था। आगे देखेंगे फोर्थ नंबर। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था और इन्होंने 29 जनवरी 1780 को। तो सबसे पहला अखबार भारत में 1780 को ही छपा था। यह भारत का पहला स्वतंत्र विचार वाला अखबार था, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी। आगे देखेंगे फाइव नंबर। द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी राजनेता थे। इनका जन्म 23 मार्च 1910 ईस्वी को यूपी के फैजाबाद में हुआ था। फैजाबाद को अब नाम बदलकर अंबेडकर नगर जनपद कर दिया गया है। आगे देखेंगे सिक्स नंबर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। तो इसका सही आंसर यही होगा, यह योजनाबद्ध नहीं चलाया गया था, इसलिए यह असफल रहा। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह विद्रोह असफल रहा। आगे देखेंगे सेवन नंबर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय था और गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल 1856 से 62 रहा। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया था 1858 एक्ट पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। आगे देखेंगे एट नंबर। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा
बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को करजन के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे 9 नंबर। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? लोकमान तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, वंगवंग विरोधी आंदोलन की असफलता, वंगवंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव करना। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कि गरम दल और नरम दल आपस में मतभेद कर लिए थे, जिसके कारण कांग्रेस दो भागों में बट गया था, उग्रवादी साइड एक गरम दल और नरम दल में। उग्रवादी नेता थे जो बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय में से किसी एक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल के नेता थे वो डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन अंत में मामला को शांत करने के लिए दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया एवं इस मामले को शांत किया गया। आगे देखते हैं 10 नंबर। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने ही हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। आगे देखेंगे 11 नंबर। यहाँ स्मारक, एक सूची 1 में स्मारक दी गई है, सूची 2 में निर्माता दी गई है, और इसका क्वेश्चन है कौन सी सुमेलित है? तो अलाई दरवाजा दिल्ली। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ए का एक ए नंबर होगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था। बुलंद दरवाजा एक दर्शनीय स्मारक है। मोती मस्जिद आगरा। तो आगरा का जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया था, शाहजहां। मोती मस्जिद दिल्ली। दिल्ली का जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे देखेंगे 12 नंबर। 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो इस टाइम कार्यपालिका परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखेंगे 13 नंबर। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ही राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होता है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। आगे देखेंगे 14 नंबर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। आगे देखेंगे 15 नंबर। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर काल। प्रश्न काल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। यह 12 बजे से शुरू होता है। इस दौरान संसद में कोई भी सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से संबंधित किसी भी मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। यही होता है प्रश्नकाल। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। आगे देखेंगे 16 नंबर। निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह 51 में, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है।
अनुच्छेद 48 के कमे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। 48 के कमे क्या है? पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 41 में क्या है? उद्योग के प्रबंध में कामगारों के भाग लेने का अधिकार। अधिकार 43 में है, उद्योग के प्रबंध में कामगारों को भाग लेने का अधिकार 43 में है, जबकि 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है 41 में। आगे देखेंगे 17 नंबर, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी गुजरती है। कावेरी नदी के बारे में जानते हैं कुछ, तो कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तिरुचिल्लापल्ली के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी नदी श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है और इस पे ही भारत का सबसे ज़्यादा आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनती है, जिसे हम शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर जलप्रपात, यहाँ नदी है, तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे है। मांडवी नदी कर्नाटक एवं गोवा के सीमा के बीच स्थित है। जोग जलप्रपात शराब्ती नदी पर है। शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात गोदावरी नदी पर नहीं है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और यह एमपी में स्थित है, नर्मदा नदी पे, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर। आगे देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इधर जनजाति का नाम है और इधर राज्य का नाम है, तो भोटियां उत्तर प्रदेश की है, सही है। खासी मेघालय की जनजाति है। संथाल झारखंड की जनजाति है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की है और इनका निवास स्थान प्रमुख रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों पे है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में हम सैंटोस को जानते हैं। विश्व के कॉफी बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है? सैंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां, तो सबसे अधिक मत्स्य वाले क्षेत्र होते हैं जहां उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है, तो सी नंबर, उष्ण और शीत सागरीय धाराएं मिलती है वही मत्स्य क्षेत्र के में जाना जाता है। आगे देखेंगे 22 नंबर, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित किया जाता है, तो कौन से मंडल के द्वारा? आयन मंडल के द्वारा ही किया जाता है। आयन मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच स्थित है। संचार उपग्रह भी आयन मंडल पे ही स्थित है। क्षोभ मंडल देखते हैं, तो वायुमंडलीय सतह के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। इसमें ही क्षोभ मंडल में ही वायु से संबंधित घटनाएं होती है, जैसे कि बादल बनना, आंधी, वर्षा, ये सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में ही। बी नंबर ऑप्शन है समताप मंडल, वायुवान उड़ाई जाती है समताप मंडल में ही। डी नंबर ऑप्शन वही मंडल 640 किलोमीटर के बाद वाले जो परत होती है उसे वही मंडल कहते हैं, और वही मंडल में मुख्यतः हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस की अधिकता रहती है। आगे देखेंगे 23 नंबर, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीत ऋतु में भारी वर्षा होती है।
आगे देखेंगे 24 नंबर, शेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो शेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में, बी नंबर ऑप्शन होगा, मलेशिया में शेमांग जनजाति पाई जाती है। हैदा जनजाति होता है, हैदा जनजाति अमेरिका में पाई जाती है। रेड इंडियन जनजाति कनाडा में पाई जाती है। आगे देखेंगे 25 नंबर, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी खोज 1886 में अल्टमैन ने किया था। यह कोशिका का श्वसन अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन अंग है। आगे देखेंगे 26 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला केंद्रक। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण दोनों में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति जीवाणु और वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर बाहर निर्जीव और पराग्रम और मोटी दीवार पर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। आगे देखेंगे 27 नंबर, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजित कोशिका है। इसका कार्य मुख्य रूप से मस्तिष्क को सूचना प्रदान करना और विश्लेषण करना होता है। न्यूरॉन का काम क्या होता है? मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना। आगे देखेंगे 28 नंबर, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा, बी नंबर होगा इसका सही आंसर। 29 नंबर, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, अल्फा कण। यह मुख्यतः हीलियम परमाणु के नाभिक जैसा होता है, जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखेंगे 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसके ऋणात्मक आवेश होते हैं? तो ऋणात्मक आवेश किसके होते हैं? बीटा किरण के ऋणात्मक आवेश होते हैं। यह एक आयनकारी किरण है, बीटा कण क्या है? आयनकारी किरण है। आगे देखेंगे 31 नंबर, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसके रेडियो समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम, डी नंबर ऑप्शन, ट्राइटियम। ड्यूटेरियम ऑक्साइड डी टू ओ को भारी जल कहते हैं, और भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। आगे देखेंगे 32 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान इक्वल टू होता है संवेग बटा वेग। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि संवेग और वेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखेंगे 33 नंबर, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, घर्षण कम होने के कारण बर्फ पे चलना मुश्किल हो जाता है। आगे देखेंगे 34 नंबर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होता है? स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर होगा नीचे होगा, तो इसका सही आंसर होगा थोड़ा ऊपर हो जाता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण से जहाज थोड़ा ऊपर हो जाता है। आगे देखेंगे 35 नंबर,
बाजार के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है। तो बाजार के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक अनिवार्य क्या होगा? कीमतें। आगे देखेंगे 36 नंबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक है। तो इसके प्रवर्तक सभी हैं SBI, LIC, GIC, IDBI सभी हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। आगे देखेंगे 37 नंबर, कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है बिहार के दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है? तो सबसे लंबी राजमार्ग संख्या है NH 31। इसकी लंबाई 433 किलोमीटर है और यह बरही बख्तियारपुर से गुवाहाटी तक जोड़ती है। NH 2 दिल्ली कानपुर से कोलकाता तक जोड़ती है। NH 57 यह मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को जोड़ती है। NH 98 पटना से राजहरा तक को जोड़ती है। आगे देखेंगे 39 नंबर, झुकी हुई मीनार किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो झुकी हुई मीनार कहाँ है? यह इटली के पिसा में झुकी हुई मीनार स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है जापान। तो जापान के टोक्यो में इंपेरियल पैलेस है। थर्ड नंबर ऑप्शन है मिस्र। तो मिस्र में क्या है? यहाँ पिरामिड है। डी नंबर ऑप्शन फ्रांस। फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर है। आगे देखेंगे 40 नंबर, 49वीं समानांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। तो 49वीं समानांतर रेखा कहाँ स्थित है? कनाडा और यूएसए एवं कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा स्थित है। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा है। मैगिनॉट। बी नंबर ऑप्शन जर्मनी और पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। क्या है? हिंडनबर्ग। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हम सब जानते हैं डूरंड रेखा है। आगे देखेंगे 41 नंबर, कीवी किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कीवी न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय चिन्ह भी है और न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पशु भी कीवी ही है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत की राष्ट्रीय चिन्ह है। डेनमार्क की समुद्री तट। सी नंबर ऑप्शन नॉर्वे। नॉर्वे के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर। आगे देखेंगे 42 नंबर, रेड क्रॉस प्रतीक है। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल संकट का प्रतीक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक और परिवार नियोजन का प्रतीक। तो रेड क्रॉस क्या है? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक। संकट का प्रतीक क्या है? उल्टा झंडा। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक क्या है? झुका हुआ झंडा। और परिवार नियोजन का प्रतीक है लाल त्रिकोण। क्या है? लाल त्रिकोण। आगे देखेंगे 43 नंबर, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल का संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। चीन के संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपल कांग्रेस। और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। और भारत का संसद। आगे देखेंगे 44 नंबर, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय। तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद। बी नंबर ऑप्शन। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 अस्थाई एवं 10 अस्थाई होते हैं। 5 अस्थाई सदस्य होते हैं
जो कि अमेरिका है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये पांचों अस्थाई सदस्य हैं। आगे देखेंगे 45 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। देखते हैं 20 जून को क्या मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है एवं 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 46 नंबर, हरी प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो हरी प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। तबला से संबंधित कौन है, तो याद रखिएगा तबला से संबंधित जाकिर हुसैन है। शरोद से संबंधित अमजद अली खां, अमजद अली खां क्या से संबंधित है, शरोद से। शहनाई से हम सबको पता है बिस्मिल्ला खां शहनाई से संबंधित है। आगे देखेंगे 47 नंबर, रंगोली प्रमुख लोक कला है। तो रंगोली कहाँ की प्रमुख कला है, महाराष्ट्र की, बिहार का गोदना प्रमुख कला है, गुजरात का साथिया एवं राजस्थान का मेहंदी। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय नृत्य तमाशा है और लोक कला रंगोली। आगे देखेंगे 48 नंबर, लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा। तो लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पे नॉर्वे रहा एवं लास्ट स्थान पे उत्तरी कोरिया रहा, उत्तर कोरिया लास्ट स्थान पे रहा। इसमें भारत का स्थान याद करना इम्पोर्टेंट है, जो कि 51वां रैंक पे रहा, 51 पोजीशन पे कौन रहा, भारत। आगे देखेंगे 49 नंबर, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया है मुंबई में, सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, मुंबई में। इसका थीम क्या था, इसका थीम था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। क्या था थीम, भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, ई गवर्नेंस का थीम था। आगे देखेंगे 50 नंबर, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो पहला राज्य इसमें हरियाणा इसका सही आंसर होगा, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। कोविड-19 से संबंधित एक अभियान चलाया गया था केरल में, इसका नाम है ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन अभियान कहाँ चलाया गया था, केरल में। पंजाब में सबसे पहले कैफू लगाया गया था। राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। तो इस तरह से आज का 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।